दिवस के उपलक्ष्य में जो महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके संबंध में जानकारी। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं संयुक्त संचालक हूं इंदौर संभाग की डॉक्टर संध्या व्यास महिला बाल विकास में। और ये जो कार्यक्रम है ये बालिका दिवस का आयोजन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का, और सप्ताह हमने इसको मनाया है 19 तारीख से, और विभिन्न गतिविधियां बालिकाओं के संबंध में की है। बालिकाओं जो ये इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए एक समानता का अवसर पैदा करना, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। और ये जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जिन बालिकाओं ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, ताकि बालिकाएं, ये जो बालिकाएं अच्छा काम कर रही हैं, ये समाज में प्रकाश स्तंभ का काम करें और लोगों को ये मालूम पड़े कि बालिकाएं हर क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर सकती हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्रों में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर भी यहाँ पर कुछ जो हमने 19 तारीख से गतिविधियां की थी उसमें अलग अलग गतिविधियां हैं। उसमें एक गतिविधि ये भी थी कि माहवारी के संबंध में उसमें जागरूकता और उसके संबंध में किया जाए, ये जो टैबू है इसको हटाया जाए कि उसके कारण जो बालिकाओं को हर तरीके से अवरुद्ध कर देते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे हर स्तर पे लगातार काम हो रहा है कि बालिकाओं को अगर महावारी के समय सही ढंग से सुविधा मिलती है, स्वच्छतापूर्ण व्यवस्थाएं बालिकाओं के लिए उपलब्ध होती है, तो वो जीवन में बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे हमने उदिता कॉर्नर भी बनाए थे कि बालिकाओं को सैनिटरी पैड स्वच्छ कम कीमत पे उपलब्ध हो सके। NRLM के जो समूह हैं वो सैनिटरी पैड बना रहे हैं ताकि उनको भी व्यवसाय उपलब्ध हो। और ये हर आंगनवाड़ी पे उदिता कॉर्नर बनाए गए हैं जहाँ से बालिकाएं अपने लिए सैनिटरी पैड लेती हैं। इंदौर जैसे शहर की तो बात ठीक है, और यहाँ के बीच जो स्लम है वहाँ पर बालिकाओं के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। और चूंकि मैं संभागीय अधिकारी हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे दूर दराज के ट्राइबल क्षेत्र हैं वहाँ ये सुविधा बहुत अधिक काम कर रही है कि वहाँ ये बालिकाओं को उपलब्ध हो रहा है। तो बालिकाओं के संबंध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके तहत ही ये सारे कार्यक्रम हैं, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और इन सब का परिणाम ये है कि हमारे यहाँ पे इंदौर में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो एट बर्थ है, तो चाइल्ड सेक्स रेशो नहीं, सेक्स रेशो एट बर्थ मतलब जितने लड़के जन्म लेते हैं उनके कंपैरिजन में कितनी लड़कियाँ जन्म ले रही हैं, इसका बहुत सुधार हुआ है। NFHS 4 का जो सर्वे था उसमें 1000 लड़कों पर 846 लड़कियाँ जन्म ले रही थी, जबकि अब ये हो गया है 1000 पर 996, यानी हम बहुत बढ़ गया है। ये जो सारे प्रयास हुए हैं और जो भ्रूण कहना चाहिए कि वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन और ये सारी चीज़ों पे जो प्रतिबंध लगे हैं उस सारी चीज़ों का ये परिणाम है कि इतना ज़्यादा सुधार इंदौर में हुआ है। थैंक यू।